Hello and welcome to Auction Reels. Today, my friend Chetan Sakaria, all of us loved him and consumed him in the last IPL. Everybody in this country was taken by his story. Unka story viral ho gaya tha. Humne sab milkar unko celebrate kiya. What a debut it was. Made the Indian team. What a fantastic year for Chetan Sakaria. Is saal bhi, auction ke pehle, hum log sab jante hain, Chetan will go for a good amount of money. Should be a good year. Chetan, how are you looking? How is it going? Kaisa feel kar rahe ho? How is preparation going? Please, bataiye. Thank you, Sarji. Abhi बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि क्रिकेट वापस चालू होने जा रहा है. लाइक डोमेस्टिक सीजन भी वापस होगा एंड अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ही. एंड अभी मैं लाइक अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ एंड होपफुली इस साल थोड़ा लाइक बेटर बॉलिंग कर पाऊँ पिछले साल से, तो यही उम्मीद है मुझसे. ये आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया. डोमेस्टिक सीजन दोबारा चालू हो रहा था. मैं जितने लोगों से बात किया है, How important was this announcement, Chetan, कि रणजी ट्रॉफी दोबारा से हो रहा है आप लोगों के लिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स? आप तो फिर भी आपके पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत लोगों के पास नहीं भी है, उनके लिए ये कितना बड़ा अनाउंसमेंट था? एक्चुअली डोमेस्टिक सीजन बहुत ही मायने रखता है मैं बोलूंगा, क्योंकि लाइक एक तो देखिए एक सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे महत्व का वो जो रहता है सिलेक्शन होता है इससे. एंड दूसरा कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी है कि डोमेस्टिक सीजन के ऊपर भी रिलाय करते हैं अपने फाइनेंशियल व्हाटएवर जो करता है. तो ये दोनों पासे ऐसे है कि लाइक पहलू ऐसे है कि बहुत ही जरूरी है एक डोमेस्टिक क्रिकेटर के नाते. सवाल ये है चेतन, देखो आईपीएल और डोमेस्टिक सीजन को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है आपने मेरे से कहा था कि वो जो आईपीएल का पैसा से मैंने मेरा फैमिली का ट्रीटमेंट करवाया. ये जो लोग आईपीएल को अटैक करना चालू कर देते हैं, ये भी गलत. आपकी बात एकदम सही है, लाइक दोनों को अलग ही रखना चाहिए. आईपीएल आईपीएल की जगह है और डोमेस्टिक की जगह है, क्योंकि लाइक बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जो आईपीएल नहीं खेलते होंगे, तो लाइक उनके लिए डोमेस्टिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऑक्शन की तरफ कैसे देख रहे हो यार, एक्साइटमेंट तो होता होगा? अभी मैं एक्साइटेड भी हूँ और साथ में थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि लाइक एक्साइट इसलिए हूँ कि कौन सी टीम मेरे लिए जाएगी, और थोड़ा नर्वसनेस इसलिए कि लाइक कैसा रहेगा ऑप्शन. दोनों सेम फीलिंग है, मिक्स फीलिंग है. और घर में क्या फीलिंग चल रहा है? घर में अभी सब शादी का सीजन चल रहा है, तो सब शादी की तैयारी में लाइक. और यार ऑक्शन भी तो शादी जैसे ही होगा, आपके लिए बहुत बड़ा धूमधाम होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे लिए तो ऑक्शन ही शादी हो गया, क्योंकि लाइक बहुत सालों से मैं शादी में नहीं गया हूँ, बहुत लोगों की शादी में नहीं गया, लाइक क्रिकेट ही खेल रहा हूँ. और क्या होता है कि शादी की सीजन और क्रिकेट की सीजन दोनों लाइक एक साथ क्लैश हो जाती है. बट ऑक्शन के बारे में सोचते हो चेतन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन? नॉट द मनी, पैसा तो है, पैसा आपको मिलेगा, आपने अचीव किया है, आपको मिलना भी चाहिए, बट द होल एक्साइटमेंट ऑफ द ऑक्शन, उसके बारे में सोचते हो? ऑक्शन के बारे में देखिए सोचता तो हूँ लाइक, बट किस वे में सोचता हूँ कि लाइक कौन सी टीम जाएगी, लाइक मैं कौन से प्लेयर के साथ खेलूंगा, कैसे खेलूंगा मैं, लाइक वापस उनके साथ मिंगल हो पाऊंगा कि नहीं, तो वैसे सब ख्याल आते हैं, तो वो सब सोचता रहता हूँ मैं. ऐसा कोई प्लेयर है किसी के साथ खेलना चाहते हो? मान लो विराट कोहली के साथ खेलना चाहता हूँ, रोहित शर्मा के साथ, फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलना चाहता हूँ, केएल राहुल के साथ खेलना, ऐसा कोई प्लेयर है क्या? पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मना करेगा, कि लाइक सबका एक ही सपना रहेगा कि एक बार महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेले, तो लाइक मेरा भी यही सपना है कि मैं भी उनके अंडर में खेलूं. क्यों क्यों कि आपने इन चारों दिग्गज में, विराट कोहली भी भारत का कप्तान रह चुके हैं, रोहित शर्मा रह चुके हैं, अभी होंगे भी सारे फॉर्मेट, फिर भी आपने महेंद्र सिंह धोनी को चुना, क्यों चुना? आई मीन महेंद्र सिंह धोनी हम सबके लिए एक इमोशन है, आपके लिए भी है, आप थोड़ा डिटेल में बताइए. एक तो देखिए अभी ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लाइक जो भी अभी यंग पीढ़ी उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी है कि लाइक अचानक ही सब करते, जैसे कि जब उन्होंने टेस्ट जो रिटायरमेंट ले ली तो अचानक ले ली थी, तो कोई कह नहीं सकता वो कब हो जाएगा. तो एक तो चीज हो गई कि लाइक ने जो अपने देश के लिए किया है, तो ऐसा लाइक कारनामा करना बहुत ही मुश्किल है. तीनों आईसीसी ट्रॉफीज उन्होंने जीती है, लाइक बहुत ही सारा, लाइक उनके आने के बाद ही लाइक टीम इंडिया टॉप लेवल का क्रिकेट खेलने लगी है, फिर फिटनेस का भी उन्होंने लाया,
तो मैं भी लाइक उनके अंडर एक बार रहने रहना चाहता हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, वो कैसे वो करते हैं, कोऑपरेट करते हैं सब जब प्रेशर सिचुएशन होता है। वेरी नाइस। और देखिए, अगर मैं चेतन सकारिया का करियर के बारे में देखूं, 2021 पहला ही सीजन में इंडिया खेल जाना, इतना नाम कमा लेना, आपके लिए 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा होगा। आप जब वापस सोच के देखते हो, क्या हाउ डज इट फील? जैसा मेरा साल रहा है, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। आप देखोगे तो मुझे सक्सेस भी इतना मिला है और साथ में मैंने बहुत ही मुश्किल सिचुएशन भी साथ में झेला है, तो दोनों एक ही साल में सब कुछ आ गया। तो मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना करने का भी मौका नहीं मिला और ना मैं एक्सेप्ट कर पाया, तो वैसे टाइप की सिचुएशन हो गई थी मेरी। और चेतन, आपका घर में भी लास्ट ईयर कोविड के वजह से, फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, अभी सब सेटल्ड है? आईपीएल आप स्टार बन गए हो, आपका करियर अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग एट होम इज फाइन नाउ? यस, अभी खास तो मेरी मम्मी की चिंता थी मुझे, क्योंकि मैं जैसे जैसे क्रिकेट खेलने में बिजी हुआ तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया, बट मम्मी के साथ क्या रिश्तेदार आते रहते हैं, सब बातें होती रहती हैं उनका, और मैं भी ज्यादातर घर पे नहीं रहता तो उनकी मुझे ज्यादा फिक्र थी। बट अभी मम्मी ठीक है, मेरे मामा के साथ रह रही है अभी, तो वहाँ अच्छा एटमोसफियर बना कर रखा हम लोगों ने, एंड अभी हम लोग सेटल हो चुके हैं, वो जोन से निकल चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन चेतन, लास्ट ईयर आपने इंडियन टीम में भी ब्रेक इन कर लिया था, इस साल वो कोई गोल, बड़ा गोल तो आपका डेफिनेटली होगा कि आईपीएल यूज करके, डोमेस्टिक क्रिकेट यूज करके दोबारा भारतीय टीम में अपना जगह बनाने का, वो उसके बारे में बोलिए। मैं अभी देखिए मेरी बॉलिंग में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि टीम को जरूरत के हिसाब से मुझे चेंज करनी पड़ेगी, वो मेरी बॉलिंग में लानी पड़ेगी ताकि मैं अपनी टीम को ज्यादा मैच जिताने में हेल्पफुल बन सकूं, तो अभी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। बट जैसे ही मैं आऊंगा तो ऑब्वियसली यही मेरा गोल रहेगा कि मैं अपना प्लेस सीमेंट करूँ, टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा साल खेल सकूँ। वेरी गुड। मैं यही उम्मीद से यह इंटरव्यू खत्म करता हूं चेतन, कि ऑक्शन के दिन महेंद्र सिंह धोनी ये इंटरव्यू सुने और आपको खरीदे, और आप महेंद्र सिंह धोनी के पास जाएं, उनके उनसे और ज्यादा सीखें और पॉलिश हो, और भारत के लिए आप अच्छा खेलें। आईपीएल के समय दोबारा आपसे बात करने का उम्मीद है मुझे, आपको ऑलवेज सपोर्ट करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू चेतन। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच।